अस्सलाम वालेकुम पाकटीवी के साथ, मैं हूं अफजा एजाज। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस, जिनका आजकल पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। हारिस भी, कैसा जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का जर्नी? अभी तक तो अच्छा जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और टीम की पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। चार में दो जीते, दो आ रहे, तो अभी तक तो अच्छा जा रहा है। तो कल मैच है लाहौर कलंदर्स के साथ, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाफरीदी है, राशिद खान है, इनके खिलाफ क्या प्लान है? प्लान तो यही है, सिंपल रखूंगा। कोशिश होती है जो जितना बड़ा बॉलर हो उसके खिलाफ अच्छा से अच्छा खेलने की कोशिश करता हो, उसी पे आपका नाम बनता है, उसी पे लोग जाने जाते हैं। तो यही कोशिश मेरी भी है कि जितना अच्छा बॉलर हो जितना उसके खिलाफ अच्छा खेलने की कोशिश करूंगा। अभी शाहीन भाई आए थे, शाहीन भाई के साथ क्या बात हो रही थी? कुछ वो एहसान उल्लाह का कह रहे थे, एहसान उल्लाह बच गया तो अपना भी कह रहे थे, तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, एहसान उल्लाह के साथ जब हमने डिस्कस किया था, एहसान उल्लाह से यही बोला था कि हारिस भी कह रहे थे कि उस दिन आप बच गए हो, तो अभी क्या, अभी वही अल्फाज है एहसान उल्लाह के लिए, उस दिन बच गए थे? बोल, अगर आप देखें तो उसमें मैंने ये कहा था, उस टाइम जो मेरा बॉल बल्ले पर आ रहा था तो शुक्र है एहसान उल्लाह बच गया उस टाइम। ठीक है, वेल अगला मैच हमारा पता है 10 को 12 को उनके साथ, जिधर भी है, पिंडी में हो, जो भी है, तो उस मुताबिक देखेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो मुखालिफ टीम के अच्छे बॉलर हो उसको पीटने की कोशिश करता हूँ। सुल्तान के खिलाफ तो आपने एहसानुल्लाह को टारगेट किया था, लेकिन कल टारगेट कौन है, शाहीन, हारिस या राशिद खान? सब टारगेट होते हैं, जितने मुखालिफ टीम के सारे बॉलर हैं सब टारगेट होते हैं। ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वही कामयाब रहेगा। आज़िम खान का बड़ा चर्चा हो रहा है, दूसरी जाना विकेट कीपर बल्लेबाज आपका, हारिस का बड़ा चर्चा हो रहा है, आपको आज़िम खान की बैटिंग कल कैसी लगी? मैं देख रहा था, मैंने उनकी सारी बैटिंग देखी है और काफ़ी मज़ा आया जो वो शॉट्स मारते हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया कि व्हाट अ शॉट्स। अच्छा हारिस भी, आपने बाबर आजम के साथ ओपनिंग किया, कितनी ख्वाहिश है कि मोहम्मद रिजवान के साथ भी ओपनिंग करने की? वेल, किसी के साथ ख्वाहिश नहीं है, जिधर जो मौका मिलता है उस मुताबिक खेलने की कोशिश करते हैं। बाबर भाई हो, रिजवान भाई हो, जो भी हो, फखर भाई हो, जिधर मौका मिलता है वहाँ खेलने की कोशिश करेंगे। अभी हमने देखा कि यहाँ पे नेट के पास बाबर आजम आपको कवर ड्राइव भी सिखा रहे थे, कुछ पुल्स भी सिखा रहे थे, थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि क्या बात हो रही थी? जी बिल्कुल, वो बड़े भाई की तरह हमेशा समझाते हैं, और एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ बड़ा भाई उनका फ़र्ज़ भी है, वो हमें समझाते रहते हैं, वही कर।